आई सेड मराठी एक्टर्स के अंदर कितनी फ्लुएंसी होती है, उनकी स्पीच का पैटर्न कितना ज़बरदस्त होता है। पप्पू पेजर, ये तुम लोग घबराने का नहीं समझा क्या, पप्पू पेज, तो वो मैंने ऐसी बम्बैया लैंग्वेज तो बहुत पिक्चर में बोली है, पर मराठी कल्चर में, मराठी लिटरेचर में और मराठी लैंग्वेज में बड़ी पावर है, बड़ी शालीनता है, बड़ा मिठास है। हिंदी मालिका आणि हिंदी सिनेमा गाजवल्यानंतर ज्येष्ठ अभिनेते सतीश कौशिक आता मराठी सिनेमांमध्ये पदार्पण करतायत। मन उधाण वारा या मराठी सिनेमासाठी त्यांनी निर्मात्याची भूमिका निभावली आहे। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी। हॅलो सर, राष्ट्रीय मराठीमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत। धन्यवाद, धन्यवाद। मन उधाण वारा माझा पहिला मराठी चित्रपट आहे आणि मी खूप आनंदित आहे की ही चित्रपट संजय मेमाने, द फेमस सिनेमॅटोग्राफर, दिग्दर्शित केले आहे। दिस मच मराठी आय नो, आय टोल्ड दिस यू नो, बट टू टेल दॅट येस, मन उधाण वारा इज माय फर्स्ट फिल्म अँड इट इज प्रेझेंटेड बाय पेन स्टुडिओज। और ये फिल्म जो है बड़े दिल के क्लोज है हमारे, मेरे और संजय के दोनों के, क्योंकि जब हमने ये सब्जेक्ट और स्टोरी, एक्चुअली ये अडेप्टेड है फ्रॉम खासी फिल्म, मेघालय की एक फिल्म मैंने नेशनल अवार्ड में देखी थी और वो फिल्म का नाम था उनाटा, और मेरे दिल को बड़ी छुई वो पिक्चर, इट रियली टच्ड माय हार्ट। और मैं सोचा इस फिल्म को कभी मैं हिंदी में बनाऊँगा। फिर जयंती भाई, जयंती लाल गाड़ा हमारे दोस्त हैं, और मैंने उनको फिल्म दिखाई, उनको अच्छी लगी और उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया पहले आप इसे मराठी में बनाओ, क्योंकि मराठी कल्चर में इस तरह की कहानियाँ बड़ी चल रही हैं आजकल और मराठी सिनेमा बहुत ग्रो कर रहा है, और आप ये इतनी सेंसिटिव और अच्छी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल फिल्म है, आप इसको मराठी में बनाओ। तभी हमने सोचा इसको मराठी में बनाते हैं। तो लोका पिक्चर्स जो है, एक विशाखा करके उनकी प्रोड्यूसर है, और रमेश और शैजू वो है, तो उनसे हमने राइट्स लिए और वो हमारे साथ एज प्रोड्यूसर भी आए। जयंती लाल गड्ढा पेन स्टूडियोज़ ने प्रेजेंट किया और अब ये फिल्म जो है बन के तैयार है। ये फिल्म जो है एक बहुत प्रेरणा वाली फिल्म है, प्रेरणा देने वाली फिल्म है। इस फिल्म में मराठी एक्टर्स बहुत हैं, और जैसे कि वैसे तो इसके अंदर दो लोग जो हैं वो एकदम नए हैं, मतलब एक मूल गज्जर जो है वो अहमदाबाद से लड़की है, और ऋत्विज वैद्य है वो बम्बई का, वो मराठी अच्छी तरह जानता है, और किशोर कदम है इसके अंदर, और बहुत से लोग जो कि बड़े बड़े फेमस एक्टर्स हैं। उत्तरा बावरकर मेरी फेवरेट, जब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में गया था और मैंने पहला कभी कोई नाटक देखा था तो उत्तरा बावरकर का देखा था, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरी पहली मराठी पिक्चर के अंदर जो कि मेरे नेफ्यू, मेरा इज़ लाइक माई सन निशांत कौशिक और मेरी पत्नी शशि कौशिक ने प्रोड्यूस की है, उसमें उन्होंने काम करने के लिए हाँ बोली, तो मैं इतना खुश हुआ था असल में। अगर सर, पण एक असा पॉइंट असतो ना की आपल्याला तो सिनेमा करायचाच आहे, तर मन उधाण वारा या सिनेमामध्ये तुम्हाला असा कोणता तो पॉइंट आवडला जास्त की त्यामुळे तुम्ही लगेच तयार झाला? ही फिल्म मध्ये, यू मीन इट इज, यू नो, बिकॉज इट इज इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल, व्हाट हैपन्स कि हमारी ज़िंदगी में कई बार हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि हमारे पास इतने दुखों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। दुख ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, तो दुख जो है वो अगर इंसान पे पड़े तो क्या वो अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाए, आगे की ज़िंदगी? तो ये फिल्म जो है इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल है कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी पहाड़ टूटे, कोई भी उधान आपकी ज़िंदगी में आए, तूफान जिसे हम हरिकेन कहते हैं, और हमारा मन जो है हमेशा वो तूफानी हवा की तरह होता है, असल में हमेशा मचलता रहता है, तो अगर ऐसी मुसीबतें आए तो क्या हम ज़िंदगी जीना छोड़ दें? तो हमारी भी ऐसी ही लड़की की कहानी है जिसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे वो सब कुछ विश्वास छोड़ देती है और उसके लिए ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, लेकिन कैसे वापस से वो अपनी ज़िंदगी को समेटती है और कैसे जो है ज़िंदगी के अंदर वो आगे बढ़ती है, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए अपने पिता के कहने पर उसको जो आसपास लोग मिलते हैं, अच्छे लोग मिलते हैं कोंकण एरिया में, कि वो कैसे उसको प्रेरित करते हैं, उसको प्रेरणा देते हैं कि ज़िंदगी जीने के लिए इससे बाहर निकलो और ज़िंदगी को फुल पूरे ताकत से जियो, क्योंकि ज़िंदगी एक बार आपको मिलती है।
तो ये बड़ी प्रेरणा कि हम कभी भी दुख आ गया तो अपनी ज़िंदगी को जीना छोड़ना दें, मतलब बड़े से बड़ा दुख आ जाए। तो ये बहुत प्रेरणा वाली फिल्म है, और तभी इस मतलब मन उधान वारा, मतलब उधान तूफान आपकी ज़िंदगी में तूफान आए, जैसे कि तूफान आता है और चला जाता है, ऐसे भी दुख और प्रॉब्लम और मुसीबतें आती हैं और चली जाती हैं और फिर खुशी वापस आती है। ये मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल फिल्म है, इसके अंदर बहुत अच्छे कलाकार और बहुत अच्छी बातें हैं। लव स्टोरी का एंगल है जो कि बहुत प्रेम भावना बहुत अच्छी है इसके अंदर। या सिनेमाचे जे डायरेक्टर आहेत संजय, त्यांच्यासोबत काम करना तुमचा एक्सपीरियंस कसा होता? संजय जो है वो बहुत ही सुलझा हुआ डायरेक्टर निकला अपनी पहली फिल्म में। संजय बहुत मशहूर कैमरामैन है, सब जानते हैं, मराठी फिल्में इतनी कर चुका है और बड़ी बड़ी फिल्में, श्वास जैसी फिल्म जो कि ऑस्कर में गई, यू नो, और कितनी अच्छी शूट किया था, फिर लै भारी जो कि एक बॉक्स ऑफिस हिट पिक्चर थी, उसके बाद हाफ टिकट किया और पता नहीं कितनी पिक्चरें और कितने टेलीविज़न शोज़ और कितने टीवी शो, इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कैमरामैन यू कैन से फॉर टेलीविज़न एंड मराठी फिल्म्स। सो निशांत कौशिक जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और जो मेरे नेफ्यू हैं, वो इनको अच्छी तरह जानते थे, और मैं भी संजय को एक बार मेरे एक शो टीवी शो था, उसका नाम था सुमित संभालेगा, उसकी लाइटिंग डिज़ाइन करने के लिए आए थे, तो पहली बार मैं मिला तो बड़ा खुश हुआ, और उन्होंने भी मुझे बताया कि मैं आपके नेफ्यू निशांत का दोस्त हूँ, यू नो। तो जब भी फिल्म के डायरेक्टर की हमने चयन करने का सोचा तो निशांत ने कहा सर संजय मेहमान से कराते हैं, उन्होंने अब तक पिक्चर डायरेक्ट नहीं किया पर बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर हैं, और इस फिल्म के अंदर विजुअल अपील भी बहुत चाहिए, विजुअली इट शुड बी स्टनिंग फिल्म, एंड दैट इज़ हाउ संजय केम, एंड वी वर सो हैप्पी कि संजय के साथ स्क्रिप्ट पे काम करना, फिर संजय की इन्वॉल्वमेंट, संजय जिन लोगों को इस प्रोजेक्ट में लेके आया, चाहे वो अजय अतुल के अजय थे उन्होंने गाना गाया, या सुमित्रा भावे जी को लेके आया, या एक्टर्स को लेके आया, या मतलब आदर्श शिंदे को लेके आया, यू नो, इतने अच्छे अच्छे एक्टर, वो इट इज़ ऑल बिकॉज ही इज़ वेरी पैशनेट। और बहुत मुझे मज़ा आया कि मेरा तालमेल जो संजय के साथ था, माय रिलेशनशिप वाज वेरी वेरी दिस थिंग, मैं कभी शूटिंग पे उसके कभी नहीं गया, एक बार हमने स्क्रिप्ट को लॉक कर दिया, स्क्रिप्ट के हमने खूब काम किया, खूब डिस्कशन किया, समझे ना, एंड ही वाज वेरी ओपन, आई वाज वेरी ओपन, एंड दैट इज़ वाई मन उधान वारा जो फिल्म जो 11 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है, ये फिल्म अच्छी इसलिए बन पाई कि डायरेक्टर की पहली फिल्म उसने पूरे दिल लगा के की है, पूरे जोश के साथ की है, और पूरे हृदय से की है, मतलब हृदय के एक एक कोना जो है वो इस पिक्चर के अंदर उसका बसा हुआ है। तुम्ही आता मराठी सिनेमाचं एवढं कौतुक करताना दिसतातच आहेत, संजय सरांचं तुम्ही इतकं कौतुक केलं, तुम्ही इतकी वर्ष हिंदीमध्ये काम केलं आहे आणि आता मराठीमध्ये काम करताना तुम्हाला हिंदी आणि मराठीमध्ये काही फरक वाटतो का? देखो सिनेमा तो सिनेमा होता है, कहानी सुनाना बिल्कुल वो होता है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मराठी सिनेमा का, मैं मराठी सिनेमा को बहुत सालों से फॉलो कर रहा हूँ, मैं जब से बम्बई आया हूँ, तब बम्बई होता था, अब तो मुंबई हो गया, तब जब मैं 1979 में आया था, माय फर्स्ट एनकाउंटर दैट मैंने जब पहली बार मेरा सुहास खांड के एक दोस्त है और वो मुझे प्ले दिखाने ले गया था गुंतता हृदय से, है ना, वो काशीनाथ घाणेकर का शिवाजी मंदिर में प्ले था, एंड आई वाज अमेज्ड टू सी दैट परफॉर्मेंस, आई सेड मराठी एक्टर्स के अंदर कितनी फ्लुएंसी होती है, उनकी स्पीच का पैटर्न कितना ज़बरदस्त होता है, यू नो, कितनी उनकी रेंज होती है, और मतलब दे आर सो प्रॉम्प्ट, एंड ऑडियंस रो रही है, हंस रही है उनके साथ, और लोग रुमाल ले लेकर के आंसू पोंछ रहे हैं अपने, यू नो, तो वो देख के पहला इंप्रेशन मेरा वो था, फिर मराठी कल्चर, मराठी लिटरेचर, उसके बारे में भी पता है कि इट इज़ वेरी वेरी रिच, यू नो, और मेरे को मराठी सिनेमा जो आज का डेवलपमेंट है, कि आज मराठी सिनेमा कितना ग्रो कर गया है, आज छोटी सी पिक्चर सैरट जैसी पिक्चर जो है वो 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करती है, लै भारी जैसी फिल्म करती है, या वेंटिलेटर जैसी पिक्चर करती है, या शिवाजी के ऊपर जो महेश ने पिक्चर बनाई थी के अंदर ज़बरदस्त करती है, मैंने भी एक मराठी पिक्चर में काम किया, सिटी ऑफ गोल्ड, यू नो, लाल बाग परेल, मैंने उसमें एक छोटा सा महाराष्ट्रियन का रोल किया था और उसमें मैंने पहली बार मराठी बोली थी। सर तुम्हें लाल बाग परेल में काम किया ऐसा म्हणाला, तर तुम्हारा आणखी एकदा परत एकदा मराठी में काम करायची संधी मिळाली तर कराल का? लाल बाग परेल में मैंने बहुत छोटा सा रोल किया था असल में, बहुत बड़ा कौन सा रोल मिला तो?
हाँ बड़ा रोल करेंगे ना, 100% 100% करेंगे, बल्कि मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कोई ऐसा रोल मिले ताकि मैं उसके लिए मराठी सीखूँ और मराठी बोलूँ, मतलब है ना। और मैं मतलब मैंने अभी भी बोला हुआ है कि एक्चुअली इस पिक्चर के रिलीज से पहले मैं कुछ मराठी क्लासेस लेके, मराठी इज़ ए वेरी नाइस लैंग्वेज एंड इज़ क्लोजर टू हिंदू, एक बार सीखनी शुरू की तो मेरे को लगता है मैं सीख ही लूँगा असल में, एंड आ वेरी गुड लर्नर। मैंने बम्बैया लैंग्वेज तो बहुत फिल्मों में देखी, बोली आपको याद होगा पप्पू पेजर, तुम लोग घबराने का नहीं समझा क्या पप्पू पेज, तो वो मैंने ऐसी बम्बैया लैंग्वेज तो बहुत पिक्चर में बोली है, पर मराठी कल्चर में, मराठी लिटरेचर में और मराठी लैंग्वेज में बड़ी पावर है, बड़ी शालीनता है, बड़ा मिठास है, यू नो, उसको मैं 100% सीखना चाहूँगा। और मैं क्योंकि मैं और मराठी पिक्चर बनाना चाहता हूँ, मुझे सीखनी ही पड़ेगी अभी। सर तुम्ही आता सांगितलं तुम्ही मराठीमध्ये खूप सारे नाटक बघितलेत, सिनेमे बघितलेत, आता तुम्ही नावं पण घेतली, तुमचा आवडता मराठीमधला हिरो कोण आहे आणि तुम्हाला काम करायची संधी मिळाली तर तुम्हाला कोणासोबत काम करायला आवडेल? बहुत आहे, बहुत, मैं तो जितने भी एक्टर्स को देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रितेश ने हमारे हिंदी सिनेमा से मैं आकर के, बिकॉज इज ए महाराष्ट्रियन, रितेश कितना अच्छा काम करता है असल में, फिर कितने अच्छे अच्छे एक्टर, किशोर कदम एक्चुअली मेरे एक नाटक के अंदर था, मेरे साथ एक सेल्समैन रामलाल में वो उसने नाटक में रोल किया था, और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि बहुत कमाल कर रहे हैं असल में, इतने वो चाहे हीरो के, मैं तो एक फिल्म देखी थी, बड़ा सिंपल सा लुकिंग लड़का जो है बड़ा कमाल का रोल कर रहा था, तो आई कीप ऑन वॉचिंग दीज परफॉर्मेंसेज, यू नो, हमारे लाल बाल परेल में जो आजकल टीवी शो में भी आता था, जिसके दांत को है ना, क्या नाम है, एक सुबोध करके लड़का, एक सुबोध भावे, कितना अच्छा बड़ा सेंसिटिव एक्टर है, यू नो, महेश मंजरेकर कितना अच्छा परफॉर्म करता है, यू नो, और हमने तो खैर अशोक सराफ वगैरह के इतने ज़बरदस्त परफॉर्म देखे हुए हैं, मोहन अगाशे का मैंने एक बहुत फनी फिल्म देखी हुई है, सो आई दिस थिंग एंड आई एम वेटिंग कि कभी हमको भी ऐसा रोल मिले तो हम डेफिनेटली करें ऐसा। सर जाता जाता तुम्ही मन उधाण वारा या सिनेमाशी प्रेक्षकांना काय सांगाल? बस मैंने यही कहा कि ये फिल्म जो है मन उधान वारा जो 11 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, ये बड़ी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल स्टोरी है और आपको ज़िंदगी में कुछ सिखाएगी और आपको कोंकण एरिया की ब्यूटी को दिखाएगी आपको और अच्छे लोगों की बात बताएगी कि हमारे समाज के अंदर अच्छाई और अच्छे लोग कितनी महत्वता रखते हैं असल में, और एक ज़िंदगी को जीना जो है वो कितना ज़रूरी होता है। तो इट इज़ ए वेरी इंस्पिरेशनल फिल्म, आप ज़रूर देखिए और संजय ममाने को आशीर्वाद दीजिए, प्रेम दीजिए, सद्भाव दीजिए और हमको ताकत दीजिए कि हम और मराठी फिल्में बनाएं। थैंक यू सर, तुम्हारा उस सिनेमा खूब सारे शुभेच्छा।